मॉनसून ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। आजकल तो नॉन स्टॉप ही बारिश हो रही है। बट गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अब पिछले व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने जो इंट्रो किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने बैकग्राउंड में इस बुक को नोटिस किया। मैंने ये किताब ऑलमोस्ट आई थिंक एक या दो हफ्ते पहले दोराब जी से खरीदी थी। दोराब जी ने बाय द वे अभी आजकल एक नया बुक सेक्शन आया है जहाँ पर वो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बेस्ट सेलिंग बुक्स रखते हैं। ऋषिकेश और दिल्ली से वापस आने के बाद मैंने आप सबको एक बहुत अच्छे बुक के बारे में बताया था जिसका नाम था कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये बुक आपको अपने दिमाग को मास्टर करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं और आप इन सारे एग्जांपल्स को अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये सिखाती है। दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट रियली चेंज माई लाइफ। और अभी मैं आप लोगों को जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ ये किताब ऑनेस्टली किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट को स्पेशली बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है कि मैं जापनीज मैनेज कैसे करता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट एक अलग चीज है पर उस टाइम में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना और सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करना सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट रहता है और वो है आपका फोकस। सो अगर आप एक पर्टिकुलर स्टडी सेशन में आपका 100% फोकस दे सकते हो और डीप वर्क इम्प्लीमेंट करके कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो तो आप ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंटली काम कर पाओगे और ऑलमोस्ट एक मशीन की तरह काम कर पाओगे। सो फॉर एग्जांपल पढ़ते वक्त ज्यादा पढ़ने के बजाय उस सेशन को अगर मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ देन आई विल स्टैंड आउट और मैं ज्यादा रिजल्ट देख पाऊंगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप जाके इसे पढ़ो। आई हाईली रिकमेंड इट। काफी छोटी सी किताब है और इस किताब में बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे रिसोर्सेज है और जो भी फेमस सक्सेसफुल लोग हैं उनके एग्जांपल्स भी दिया है। फॉर एग्जांपल जेके राउलिंग। मैं पर्सनली हैरी पॉटर का एक बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। जेके राउलिंग ने भी हैरी पॉटर सीरीज लिखते वक्त बहुत सारे डीप वर्क प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है। जस्ट ओवरऑल एक बहुत अच्छा रीड है। एनीवेज अगर आज के दिन की बात की तो ये एक काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है इस वर्कआउट के लिए। आज जो वर्कआउट होने वाला है उसके लिए मैं ऑनेस्टली कल रात से रुका हुआ था और नील आई थिंक 10-15 मिनट में नीचे आ जाएगा मुझे पिकअप करने के लिए। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं और इस वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते हैं। आज के ब्रेकफास्ट के लिए हम एक बहुत ही टेस्टी चीज बनाने वाले हैं। अगर बचपन में आपको सीरियल्स चोकोस कॉर्नफ्लेक्स ये सब पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। मसल ब्लेज का प्रोबायोटिक म्यूसली और ये बेरी फ्लेवर है जस्ट बिकॉज मुझे बेरीज बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें आई थिंक ब्लू बेरीज क्रैनबेरीज ब्लैक करंट गोजी बेरी ऐसे बहुत सारे बेरीज है। बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होने की वजह से ये आपके डाइजेशन को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा और आपके स्टमक हेल्थ का ख्याल रखेगा। प्लस इसके 40 ग्राम सर्विंग में आपको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है अगर आप इसे दूध के साथ कंज्यूम करोगे तो, मेकिंग इट बेटर देन अदर म्यूसली। प्लस इस म्यूसली में बहुत सारे मल्टीग्रेन फ्लेक्स है जैसे ओट्स बार्ले राइस और व्हीट फ्लेक्स जिससे आपको एक बहुत ही ज्यादा क्रंची टेक्सचर मिलता है। एंड ऑफकोर्स फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये आपके पेट को एक लंबे टाइम के लिए सेशिएटेड भी रखेगा। और ब्रेकफास्ट के साथ एज ऑलवेज एक मल्टीविटामिन। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए और आपके इम्यूनिटी को पीक पे रखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कीजिए और अपना मल्टीविटामिन और अपना हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कीजिए। और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए चेकआउट पे मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई करना ना भूलना। साकेत 30 इस्तेमाल करने से आपको किसी भी प्रोडक्ट पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड बाय द वे इस वीडियो के एंड में मैं यही सेम म्यूसली का इस्तेमाल करके नील को एक बहुत ही टेस्टी प्रोट्स का बोल बना के देने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। गुड मॉर्निंग रेडी लेट्स गो। यो गुड मॉर्निंग। वेयर शुड वी पार्क? ब्रो पार्क राइट हियर। तो स्वागत है आप सभी का आज के पुल वर्कआउट में। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। आप लोग शौनक को ऑलरेडी जानते हो, मैं उसके सारे लिंक्स नीचे छोड़ दूंगा। और आज एक्चुअली वीकेंड होने की वजह से इवॉल्व बंद है जिसकी वजह से हम माफा नाम के एक जिम में आया है। मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया हूँ। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? ब्रो इन लॉकडाउन वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम एंड ही लाइक जस्ट कम फॉर अ वर्कआउट ब्रो। सो आई केम। इट्स गुड ना? मजा आएगा। इट्स डीसेंट ब्रो। लाइक फॉर लॉकडाउन इट वाज डैम गुड।
मजा आएगा। I wouldn't complain. और शौनक usually सुबह सुबह ट्रेन नहीं करता। Yeah, this is my first time. मजा आएगा। थोड़ा प्री लेंगे, सब सब ठीक हो जाएगा। Let's go. Wow. ये actually ऐसे full कोने में रास्ते के लेन के एंड में है एकदम। Is this like a house, शौनक? ये किसी का house? ये किसी का घर है जो एक जिम में कन्वर्ट किया गया है। मेरे कोच का घर जैसा है ना, सिमिलर टू दैट आई गेस। डू यू लाइक द आउटडोर अरेना? आउटडोर, ओके, कूल कूल। यू शुड स्क्वाट ओवर हियर विद दिस 10 केजी बार। वाओ, इट्स ओनली 10 केजी, सो जस्ट होल्ड इट एंड सी हाउ लाइट इट इज। रे नाइस, एटलीस्ट पर लॉकडाउन में यू कांट रियली कंप्लेन। या सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यहां पर एक बेंच है, dumbbells leading dumbbells up to 30 kg, ek incline bench sir. Wow, this looks really good. Oh, sure. Dancer machine, leg press, lat pull down. Is there a cable rope? Perfect. So hum mostly lat pull downs cable rope pe karenge. Aur arm different hai ye. Is it a machine? Yeah. Ah, okay. One hand, you can do two hand. Okay. और ये एक्चुअली एक मार्शल आर्ट्स फैसिलिटी है। दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ माफा ना, मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी। तो यहाँ पर एक एमएमए रिंग एंड स्टफ। नाइस टू मीट यू साफिया। मी टू। या आई नो डैनी इज देयर। नॉट डैनी। ओके, यू शुड टेक अ पिक्चर ओवर हियर। यू शुड डेडलिफ्ट ओवर हियर, डू रोइंग ओवर हियर। डैम पीसफुल। नाइस। यू कैन डू इसमें बीटा एलन नहीं है, डोंट वरी। आई नो यू हेट बीटा एलन, इसको बहुत नफरत है, बहुत रेस्टलेस हो रहा है। बीटा एलन जायंट स्कूप ब्रो। सो रिसेंटली आई हैव बीन फॉलोइंग जेफ नेपाल्स हाइपरट्रोफी प्रोग्राम। On back days, it's like an active rest. You just pump your back, you don't deadlift. The leg days. Deadlift kab karta hai? On leg days. So squat and deadlift on leg days. Wow, that's intense, yaar. Yeah, so 2 days the workout is too intense, and then other 4 days is just chill. So I guess hum pull-ups se start kar sakte hai. Yeah, we can do one set of body weight. Thoda sa blood flow ke liye. Neil, I think tujhe kya karna hai? You want to stick to your pull-up program or? हाँ बार डिफरेंट या तो हम पुलअप्स का एक सेट लगाएंगे बॉडी वेट जस्ट टू गेट ब्लड फ्लो इन आवर लैट्स और फिर रोज लैट पुल डाउन बाइसेप्स श्रग्स ठीक है। मैंने अपने ट्रैप्स को डेडलिफ्ट करने के टाइम से ट्रेन नहीं किया। चलेगा इधर है ठीक है यहाँ पर न्यूट्रल ग्रिप है इनके पास। गो फॉर इट, गो स्टार्ट। लीन है आदमी, जाएगा जाएगा जाएगा। You know Sean, at the start of lockdown, he couldn't do a single rep. I know bro, I've been watching. Very crazy bro. How many was that, 9? Yeah, 9 I think. देखना पड़ेगा। Feeling good? Yeah. Once you can start, once you can do weighted na, body weight kuch nahi lagta. So are we doing these ones or? What's comfortable for you? See, lat pull down anyways we are going wide na. So I think main ye karunga. Okay, now you'll have to put your leg. Yeah. इधर की एक अच्छी बात है, एसी बिल्कुल नहीं है। हीट इज किकिंग इन नाउ, पसीना आ रहा है, ह्यूमिडिटी। इवन यू डिडंट वेयर इट? अरे यार, हम दोनों के पास सेम जिम ट्रक्स टंगर है। आई हैव इट इन मरून, योर्स इज राइट ना? या अच्छा रहता, इट्स ओके। जॉकी
ये मैं हमेशा मिस करता हूँ, जब भी मैं इवॉल्व में बैक ट्रेन नहीं करता तब मैं रियलाइज करता हूँ कि ये जो प्री लैग पुल डाउन है ये कितना काम का है. ऑल योर स्टेबलाइजर्स एंड स्टफ आल्सो वर्क, इट्स डिफरेंट. और ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर म्यूजिक बिल्कुल नहीं है, मैंने अपने हेडफोन्स नहीं पहने हैं, इट्स जस्ट 100% फोकस. फीलिंग गुड. Got a hole in my soul going deeper and deeper, and I can't take one more moment of this silence. The loneliness is haunting me, and the weight of the world's getting harder to hold up. It comes in waves, I close my eyes, hold my breath and let it bury me. चल 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 चल. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ रीस्टार्ट रोड टू नेशनल्स, जल्दी ही स्टार्ट होगा. मुझे अभी भी डीप डाउन कम्पीट करना है, पर अगर मैं कम्पीट करूँगा मैं इसके साथ कम्पीट करूँगा. हम 2 महीने पहले डिस्कस करते थे. अभी तेरे मैक्सेस कितने हैं? माय बेंचेस 120. सच्ची में पता, जब हम ऐसे बहुत मतलब 2-3 साल पहले when all of us used to train at Gold, तब भी इसका बेंच हमेशा हमेशा बहुत अच्छा था. ये आर्यन ईरानी गुड शॉट. Yeah, we used to go to Gold together, bro. Gold जाते थे. We'll go again. Yeah, one day we'll go. नील भी Gold जाता था हमारे साथ.
फुल स्क्वाड यू स्टार्ट लाइक लॉन्ग मैच या तब क्या स्क्वाड करते थे याद है स्क्वाटिंग वाज इनसेन दैट टाइम डीयूपी 4x12 डीयूपी ब्रो 4x12 यार 4x12 4x4 4x8 4x12 was intense 4x10 I never did that I did it for like I ran it one program I ran it after that my back gave up bro. just max out and leave main to pull days pe sirf mere 135s karta tha aur fir accessories bhi nahi sirf biceps karke wapas ghar chale jata tha bro no energy yaar yeah, after doing yeah. deadlifts it's a 3R investment bro yeah investment Easy. good word it's a 3R investment chalo bas see you bro see you. monday take care bro monday bye bro we go to zamus We will. मैं और सोनक पिछले डेढ़ साल से जामूज जाने के बारे में प्लान कर रहा है इट्स अ सिजलर प्लेस इन पुणे वील गो मे बी नेक्स्ट सैटरडे वर्कआउट के जस्ट बाद नाउ क्वेश्चन है कि इज दिस चीपर देन अमेजोन और नॉट डी मार्ट प्राइस 225 फॉर 1.5 केजीज एंड आई थिंक अमेजोन पे 380 फॉर 2 केजी 380 फॉर 2 केजी सो 500 ग्राम्स के लिए 180 no, this is better na fir main bhi khareedunga because mere bhi oats khatam ho raha hai I think I'll get two pouches then wait Saffola nahi bro Quaker ka texture is better Saffola becomes too mushy Quaker is boss maine jaan pooch ke apna camera idhar chhupa ke rakha tha because aise bahut cases hua hai jahan par log ऐसे कैमरा देखता है कांच तोड़ के सब कुछ चुरा के लेके जाता है एंड आई विल हैव अ हार्ट अटैक इफ दैट हैपेंस टू माय ब्रांड न्यू कैमरा इसीलिए सेफ्टी डन इट डन इट आधा जोन केला करो ठीक है ना सो द रीजन कि हम केले लेके आया है इज बिकॉज मेरे घर पे केले नहीं है और आज मैं नील के लिए पहली बार अच्छे खासे प्रोट्स बना के देने वाला हूँ yes. इसने जिंदगी में प्रोट्स कभी ट्राई नहीं किया और मेरे पास अभी घर पे सारे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं आई हैव ओट्स प्रोटीन पाउडर अभी केले हैं ब्लूबेरीज क्रैनबेरीज म्यूसली यू आर गोना लव इट वन हेल ऑफ अ मील या और तूने अर्न किया है या आई रिमेंबर इसने मुझे आई थिंक 2 महीने पहले बोला था कि जब मेरे 10 पुलअप्स लगेंगे तब तू मुझे प्रोट्स खिला बिकॉज़ ही वांटेड टू अर्न इट नाउ यू अर्नड इट नील या ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 तुझे कितनी भूख लगी है 12 12 ये तुझे सैटिस्फाई करेगा प्लीज हैव अ सीट नो यू सिट ओके आराम से बी कंफर्टेबल या या क्या था मला जेवायचे हो झालं नील वाओ दैट इज वन बिग बोल ऑफ ओट्स यू आर नॉट रेडी आई एम नॉट रेडी यू आर नॉट रेडी रुक वेट ये मेरा बोल ओके How does it smell? Probably 100 out of 10. Neil, you have earned this. I'll go for it. Are you ready? Yeah. Come. Wow. I'm just mind blown. Satisfied? More than satisfied. I'm glad. This is desert. I'm glad. This is desert. This doesn't feel like oats, right? It doesn't feel like oats. Yeah, yeah. एग्जैक्टली सो इसमें इसकी मैं फुल रेसिपी आप लोगों को कुछ व्लॉग्स बाद बताऊंगा लाइक आई नो मैं मैश पोटेटोज नहीं बनूंगा मैश वो क्या होता है बट एनी वेज या इसके अंदर ब्लूबेरीज क्रैनबेरीज बनाना म्यूसली ओट्स प्रोटीन पाउडर और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कूल करने के बाद ये ऐसे थिक पुडिंग की तरह बनता है You know, it's so good. I don't even feel like eating it. It's that good. Done. Too good. Good.